ये ब्रिज है दरियाए सिंध के ऊपर, लकड़ी का है और इसके ऊपर हम वॉक करते जा रहे हैं। तो ये भी वॉक ऑफ द डॉक और वॉक ऑफ द टाउन बन सकती है। बड़ा बेहतरीन वो व्यू है, खूबसूरत भी है साथ खतरनाक भी है, क्योंकि जब ये जीप यहाँ पे आती है तो ये बहुत ज़्यादा हिलता है। ये देखें, तो जब जीप यहाँ पे आती है ये बहुत ज़्यादा हिलता है। और खैर, अच्छा हुआ हम जीप से उतर गए और अब पैदल जा रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप भी साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये हमारे साथ ही जीप हमारी वो चली गई है और हम लोग पैदल जा रहे हैं। और ये शदीद किस्म का झटका आया है जी। हसनैन भाई, आप ज़रा बताएं, टूरिस्ट अगर यहाँ पे आना चाहें आपके रिजॉर्ट में, हमने तो बहुत एंजॉय किया, मैंने पहले भी बताया, तो मैंने कहा आपकी व्यूज़ भी ले लूँ और टूरिस्ट को भी कोई मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं। स्कर्दू के सबसे मेन नज़दीक पॉइंट कतपना है, ठीक है। कतपना लेक पे मेरा होटल बना हुआ है, साथ ही डेजर्ट है, सामने एयरपोर्ट भी है और सामने इंडस रिवर का व्यू भी आता है। और हमारे पास कमरे भी है, बाज़ार से के नस्बत बहुत अच्छे रेट में देते हैं हम, और सुकून माहौल है यहाँ पर, आप लोग आए और इंजॉय करें, ठीक है। तो पहली डेजर्ट जो डेस्टिनेशन हमारी सरफरंगा डेजर्ट, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ये बाइकिंग करवा रहे हैं। और उसके अलावा जीप्स भी हैं आई थिंक, सो अभी मुझे नज़र तो नहीं आ रही, बाइक्स हैं, दो टायर्स वाली बाइक्स हैं और चार टायर्स वाली भी बाइक्स हैं, छोटे बच्चों के लिए कहीं गिर ना जाए। तो ये यहाँ से सीन्स हैं और बाकी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट ये है जी, मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अभी हम 14 अगस्त के लिए फ़ोटोशूट करने लगे हैं। अब्दुलरहमान पिछली बार तो व्लॉग की शुरू में आ गए थे, इस बार आखिर में आए, क्योंकि ये मैंने कहा आईफोन वाले थे ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आईफोन वाले लोग भी थे। एक्चुअली रीज़न ये थी कि मैंने लास्ट ईयर भी जो है ना स्कूटी को कम्प्लीटली जो है ना बहुत एक्सप्लोर कर लिया था। हाँ बिल्कुल। तो इस दफ़ा इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती आना पड़ा, तो इसलिए बाकी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने नहीं की थी, आई वॉन्ट दैट की करूँ। अभी जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बैक पे भी नजर आएगा कि यहाँ पे रेड कलर की जीप है बैक पे, अगर वो दिखा सके तो। ये हम ना अभी डिटेल बता दो, फिर हम दूसरे कैमरे से दिखा देंगे, उसमें हम लोग ऐड करवा देंगे। तो वो मैं भी यहाँ पे इसलिए बहस कर रहा था कि यार खुद ड्राइव कर रहे थे हमें, जो कि ये लोग नहीं करने दे रहे थे ना डेजर्ट में, ड्राइव खुद के नहीं कर सके जीप आप खुद। अच्छा, ये वो जो इनका गाइड होता है साथ, वो जो ड्राइवर होगा वो आप बाइक को ड्राइव कर सकते हैं, आप फोर व्हील बाइक को ड्राइव कर सकते हैं, बट जीप खुद नहीं कर सकते। तो मेरी अभी तक ये बहस चल रही थी कि यार ये गलत बात है, तो बस वैसे ही सब बस लास्ट में आना होगा। तो पैराग्लाइडिंग भी करवा रहे हैं, पैराग्लाइडिंग भी करवा रहे हैं, उसका शूट भी आपको हम लोग इंशाल्लाह शामिल करवा देंगे। और एक चीज़ और मैं कहेगा, यहाँ पे अगर आना तो अर्ली मॉर्निंग आइएगा, रश कम होगा तो आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग है, इट्स लाइक 10 to 11 या आफ्टर 11 आप कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है। अगर इससे बात आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारा दिन भी रश हो जाता है ना, तो आपको वापस शिखर का व्यू मिलेगा और ना ही यहाँ पे राइड इजीली आप कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे बाइक्स वगैरह, जीप्स और इसके अलावा पैराग्लाइडिंग वाले भी हैं, वो सामने पैराग्लाइडिंग वाले खड़े हैं, तो पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, हमारी गाड़ी निकलने वाली है, तो इस वजह से मैं यहाँ से मुख्तसर जी। ऑल ऑफ सडन मनठोका वाटरफॉल पे जाते हुए हमारा ऑल ऑफ सडन प्लान बना है, और वो ये है कशाल रिजॉर्ट, आप कशाल जंगल इसे कह सकते हैं। तो बड़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं इसके अंदर, वो भी हम साहब आपको दिखाते हैं, होपफुली यू विल एंजॉय इट।
एंड इन केस यू फाउंड माई बैटरी लो अपॉलोजीज फॉर इट, क्योंकि मैं आप कह सकते हैं कि लाइक अभी 7 से 8 दिन हो गए कि हम लोग मुसलसल ट्रैवलिंग में हैं और मैंने कभी इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, तो ये हम आपको इसका व्यू भी दिखाते हैं बेहतरीन। अच्छा जी, ये देखें बाग पे हमला हो गया है और सेब के अभी कच्चे लग रहे हैं, ये चेक करें कच्चे लग रहे हैं, लेकिन फ्री के हैं तो फिर तोड़ने से बास तो नहीं आएंगे। अच्छा जी, इस रिवर की जगह पे ये रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट के साथ ये खूबसूरत व्यू, ज़्यादातर मुझे जंगली फूल लग रहे हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इंडस रिवर रेस्टोरेंट है और ये अपनी मन मौज मस्तियों में दरिया, खूबसूरत नज़ारे और वो भी बेशुमार। एट आर फाइनल डेस्टिनेशन एट मंटोका वाटरफॉल और शामा पै गई है ना, जैसे आपको भी नज़र आ रहा होगा मुझे देख के शाम पड़ गई है और क्या खूबसूरत नज़ारा हमारा वेट कर रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ, सकरदू सिटी से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे है ये मंटोका वाटरफॉल और रास्ते में हम लोग जंगल में भी होके आए थे जैसा कि मैंने आपको बताया, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही गया हूँ और रास्ते में हमारा प्लान बना है, और वाटरफॉल में मैं पहुँच गया हूँ। जैसा कि आपको पीछे आवाज़ भी आ रही होगी, तो एंजॉय करें वाटरफॉल के सीन्स। अच्छा जी, दूर से नज़ारा करने के बाद अब हम लोग बजरिया ब्रिज जा रहे हैं करीब का नज़ारा करने के लिए वाटरफॉल का, तस्वीरें बन रही हैं। लेट्स सी कि कौन सा व्यू ज़्यादा मज़े का है, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि दूर का व्यू मज़े का है या जो अभी हम करीब जा रहे हैं वो व्यू मज़े का है। वैसे इतना फर्क तो नहीं है, हम लाइक यू कैन से जस्ट एक राउंड लेके आए, बट स्टिल वन कैन से दैट यू आर व्यूइंग विद डिफरेंट आई। मैं आपको दिखाता हूँ हम यहाँ से। अच्छा जी, अगर आप तस्वीरों और वीडियोस की शौकीन हैं तो शाम की टाइम कभी नहीं आइएगा, वरना ऐसे रश पड़ा होगा आप एक बंदे को कहेंगे कि भाई साइड पे हो जाओ, तो जिसको कहेंगे वो तो रुक जाएगा, उसकी जगह कोई और बंदा आगे आके आपकी तस्वीर या वीडियो को ख़राब कर देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम से आएँ ताकि आप इंजॉय कर सकें। ये हमारे साथ हैं, ये हमें लाहौर से लेके आएँ और इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम लाहौर खैर खरीत से वापस अपने घरों को पहुंचेंगे। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको मंटोका वाटरफॉल आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। फ्रॉम मी इट्स बाय बाय, सी यू इन अनदर ब्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज।